असल फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन आलू का सालन जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ मैंने ले लिया है आधा केजी के जी चिकन जिसमें कि हम दही डाल देंगे और मलाईदार दही डालेंगे फेंट कर अच्छे से तीन से चार चम्मच मैंने दही डाल दिया है लगभग सौ ग्राम के करीब एक टी स्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे आधा टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे और कॉटर टी स्पून जो है हल्दी पाउडर और एक से डेढ़ चम्मच यानी टी स्पून वन एंड हाफ़ टी स्पून हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे साथ ही में अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम नमक डाल देंगे और दो मिर्ची में जिस जिसे मैंने काट कर डाल दिया है वो डाल देंगे एक से डेढ़ टी स्पून हम वन एंड हाफ टी स्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे मैरिनेट करके साइड में रख देंगे अब मैंने यहाँ पर तड़के के लिए जो है कुछ खड़े गर्म मसाले ले लिए हैं जिसमें सूखी मिर्चे तेज़पात और जावित्री का एक फूल ले लिया है आठ से दस काली मिर्ची ले ली है दो, दो से तीन बड़ी छोटी इलायची ले ली है एक बड़ी इलायची ले ली है लौंगे ले ली है एक से दढ़ इंच का दालचीनी का टुकड़ा और आधा टी स्पून मैंने जीरा ले लिया है और साथ ही में दो आलू ले लेंगे ले 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 जिससे हम इस तरह से कट कर लेंगे आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा और देखिए यहाँ पर मैंने चिकन को मैरिनेट होने रख दिया है दो मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है साथ में मैंने सूखे मसाले निकाल लिए हैं और आलूओं को भी मैंने कट कर लिया है ये सब हम अगर कर कर रखते हैं तो हमारा सालन जो है जल्दी मिनटों में बन जाता है तो देखिए कढ़ाई मैंने रख दी है गैस पर और मैंने गैस को स्लो रखा है स्लो टू मीडियम रखा है तेल ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे वरना खड़े मसाले डालते वक्त हमारे मसाले जो है बहुत ही जल्दी जो है जलने लगेंगे इसलिए हमें ज़्यादा गर्म तेल में जो है वो हमेशा मसाले ना डालें अब हम प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को जो है दो से तीन मिनट तक भून लेंगे इसका कलर पूरा चेंज करना है यानी हमें इसे गोल्डन करना है लाइट गोल्डन कीजिए अच्छे से इसको फ्राई करके और अब प्याज का जो है हम अच्छे से कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे इसे हमें गोल्डन कर लेना है गोल्डन ब्राउन लाइट रखना है मगर ज़्यादा डार्क नहीं करना है अब हम मसाला जो मैरिनेट करके रखा था हमने चिकन वो ऐड कर देंगे और दो से तीन मिनट तक तो अच्छे से फास्ट गैस पर भुनाई कर देंगे इसकी दो से तीन मिनटों तक तो जो है स्लो गैस पर सॉरी फास्ट गैस पर मैंने इसकी भुनाई कर ली है देखिए पानी रिलीज करने लगा है चिकन अब हम इसमें आलू डाल देंगे जो हमने कट करके रखे थे आलूओं को भी चिकन के साथ अच्छे से भून लेंगे और इसे कवर करके हम भुनाई करने के बाद कवर करके लगभग दो से चार मिनट तक पकाएंगे ये देखिए कवर करने के बाद अब ये पानी जो है चिकन और ज्यादा पानी छोड़ने लगा है अब हम इसकी थोड़ी सी और भुनाई करेंगे एक से दो मिनट तक ऐसे करने से क्या होगा जो हमारा मसाला है जो जायका है चिक सालन का वो और ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस हो जाए अब फिर से देखिए मैंने एक से दो मिनट तक जो है कवर करके फिर से इसे पका लिया था अब एक बार एक आप याद रखिए आपको एक से दो बार ऐसा करते रहना है ताकि जो हमारा चिकन है अच्छी तरह से मसालों में पक जाए और उसका जो असली टेस्ट है उसका जो जायका है वो अच्छी तरह से बाहर आए तो ये देखिए अच्छे से भुनाई हो चुकी है देखिए ऑयल भी जो है सेपरेट होने लगा है अब हम क्या करेंगे इसमें पानी ऐड कर देंगे आप अपने मतलब आपको जितना थिकनेस चाहिए जितनी ग्रेवी चाहिए या सूखा चाहिए तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा अब मैं क्या करूँगी वो जो मसाला जिसमें मैंने मैरिनेट करके रखा था वही पानी जो है मसाला बहुत सारा लगा हुआ है बाउल में तो पानी में डाल दूंगी अब पानी अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग डालिए आपको जितना पतला लगता है जितना गाढ़ा लगता है सालन उस हिसाब से आप डालिएगा तो ये देखिए मैंने डाल दिया है अब मुझे ज़रा पतला सालन चाहिए क्योंकि मुझे रोटी और चावल दोनों के साथ खाना है तो पानी में अपने हिसाब से मैंने एक से एक गिलास भरकर पानी डाल दिया है अब यहाँ पर आधा टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और अब मिक्स करके फास्ट गैस पर एक बॉईल आने के बाद हम इसे ढक्कन कवर करके लगभग पाँच से सात मिनट तक पका लेंगे और फिर हमारा सालन रेडी है तो ये देखिए मेरा सालन रेडी हो चुका है मैंने इसे सर्व कर लिया है क्योंकि इसके डैडी आ गए थे तो वो खाना मांग रहे थे तो मैंने खाना तुरंत फटाफट मैंने बना लिया और चावलों के साथ रोटी के साथ मैंने इन्हें परोस दिया थे। तो देखिए माशा आप देख सकते होंगे कितनी अच्छी तरी आई है और बहुत अच्छे से चिकन आलू सब गल चुके थे मसाला भी एकदम परफेक्ट था तो आप भी मेरी तरीके से बनाइए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो फिर लाइक तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ एक अच्छे व्लॉग के साथ जब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे तरीके से एक बार सालन ज़रूर बनाकर देखिएगा आपको इंशाल्लाह से बहुत पसंद आएगा तो चलते हैं फिर अल्लाह हाफिज़